नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो अभी जो है जल्दी से चालू कर देते हैं आज के सीरीज को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं युवराज सिंह के फैंस के लिए। अगर आप सभी युवराज सिंह के फैन हो तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबर लेके आया हूँ। यहाँ पे जो है युवराज सिंह ऑफिशियली बुश फायर टूर्नामेंट में हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। ये बात जो है कंफर्म हो चुकी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पे जो है मुहर लगा दी है कि युवराज सिंह द लेजेंड जो है हम सभी को बुश फायर टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसके अंदर जो है कुछ जो है बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है जो कि 100% इस बुश फायर टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, जिसके अंदर जो है वसीम अकरम, युवराज सिंह, माइकल हसी, माइकल क्लार्क, मैथ्यू हेडन, ब्रेड हेडन और शेन वॉटसन। ये है कुछ दिग्गज खिलाड़ी जो कि इस बुश फायर टूर्नामेंट में हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर जो है युवराज सिंह का भी नाम आ चुका है। हालांकि यहाँ पे जो है अभी तक MS धोनी के ऊपर कोई भी खबर नहीं है कि धोनी इसके अंदर खेलने वाले हैं कि नहीं। यहाँ पे जो है ऑल टाइम लेजेंड गेंदबाज जहीर खान को जो है पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है, वो जो है इसके विजेता है। पद्मश्री अवार्ड से जो है जहीर खान को नवाजा गया है। जिस तरीके से जहीर खान ने इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी सर्विस दी है, सर्व किया है, बहुत ही जो है अच्छे गेंदबाज थे, काफी जो है अच्छी गेंदबाजी से करते थे, दिमाग से करते थे। जो यहाँ पे जो अगर आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में जो है जहीर खान ही वो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने ऑफिशियली जो है नकल गेंद का इस्तेमाल किया। जब हमने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नकल गेंद को देखी थी, वो जो है मेरे ख्याल से जहीर खान ने ही इस्तेमाल किया था टीवी के ऊपर लाइव। अब बात करते हैं सुरेश रायना की। रायना जो है आजकल काफी ज्यादा बयान दे रही है। ऐसे में जो है रायना ने एक और बात कही है, कहीं ना कहीं जो है विराट कोहली के कैप्टनशिप में सुरेश रायना को उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और मौके नहीं मिले अपने आप को साबित करने का। इसका एक ही मतलब है, रायना जो है इनडायरेक्टली विराट कोहली की कैप्टनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जब तक MS धोनी कैप्टन थे, रायना को बराबर मौका मिलता था। जैसे ही धोनी हटे, विराट आए, तब ऐसे में जो है विराट ने रायना को ज्यादा मौके नहीं दिए अपने आप को साबित करने के। ऐसे जो है सुरेश रैना ने इंटरव्यू में कहा था। मैंने आपको जो है कल बताया था बेन स्टोक्स ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका के फैंस को चिल्लाया था, गुस्सा दिखाया, लेकिन बाद में जो है उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद जो है अभी ऑफिशियली जो है ICC ने बेन स्टोक्स के ऊपर 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया है। तो भाई इसको देखते हुए एक बात साफ है, बेन स्टोक्स का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उनको जो है आने वाले टाइम में थोड़ा सा तकलीफ डाल सकता है, क्योंकि ये जो है ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी सही एग्जांपल सेट नहीं किए थे बेन स्टोक्स। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट के CEO ने जो है एकदम से हम कह सकते हैं बाजी को उल्टी मार दी। उल्टी मतलब कि उन्होंने जो है कल कहा था कि अगर भारत एशिया कप 2020 नहीं खेलेगा तब हम जो है 2021 का T20 वर्ल्ड कप। यहाँ पे जो है बहुत लोग को ये नहीं पता है कि आखिरकार 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में कैसे है। यहाँ पे जो है दरअसल 2021 में जो है चैंपियन ट्रॉफी भारत में होने वाली थी, लेकिन बाद में जो है 2021 के चैंपियन ट्रॉफी को कैंसिल करके इसको दोबारा से T20 वर्ल्ड कप रखा है। लेकिन बाद में जो है आज पाकिस्तान के CEO ने कहा है कि मैंने जो है ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पाकिस्तान जो है जरूर से इंडिया आएगी और इंडिया में 2021 का वर्ल्ड T20 खेलेगी, इसमें जो है आप सभी गलत मत समझिए। उसके साथ जो है पाकिस्तान ने एक और बात बोली है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में आके एशिया कप को नहीं खेलेगी तब ऐसे में जो है पाकिस्तान की टीम 2-3 न्यूट्रल वेन्यू ऐसी देख रही है जहां पे इंडिया भी आके खेल सके। तब ऐसे में जो है एक बात आप जो है कंफर्म समझिए कि ये साल का जो है एशिया कप हमको पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया ऑफिशियली जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, तब उनको जो है मजबूरन पाकिस्तान को छोड़ के कोई और जो है दूसरा तीसरा न्यूट्रल वेन्यू रखना होगा जहाँ पे भारत भी आके एशिया कप खेले, क्योंकि यहाँ पे जो है एशिया कप की एक सबसे मजबूत टीम है इंडिया। अगर इंडिया नहीं खेलेगी तब एशिया कप का जो भाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश की। तो यहाँ पे जो है फरवरी 2020 में जिम्बाब्वे आएगी बांग्लादेश और खेलेगी एक टेस्ट
तीन वनडे और दो T20 मैचेस की सीरीज। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो यहाँ पे जो है पिछले कुछ टाइम से जो है भाई जिम्बाब्वे की जो टीम है वो अफगानिस्तान से ज्यादा टेस्ट मैच खेल रही है। फिलहाल जो है उनका जो सीरीज है टेस्ट मैच वो चालू है श्रीलंका के साथ में। जैसे जो है ये खत्म होगी उसके बाद जो है वो खेलेगी बांग्लादेश से। तो वैसे में जो है जिम्बाब्वे काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज खेल रही है जो कि काफी अच्छी खबर है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान की टीम ने एक और बात को कंफर्म कर दी है कि जो फाइनल स्टेज होने वाला है बिग बैश लीग का, जिसके अंदर जो है हैरिस रॉफ जो है दोबारा से जुड़ जाएंगे मेलबर्न स्टार की टीम की तरफ से। यहाँ पे जो है उनका सीरीज चालू है फिलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का T20। जैसे जो है ये खत्म होगा उसके बाद जो है यहाँ पे हैरिस रॉफ दोबारा से चले जाएंगे बिग बैश लीग में, जो कि हम इसको बोल सकते हैं एक लास्ट स्टेज में जो है वो जाके मेलबर्न स्टार की टीम की तरफ से जुड़ जाएंगे, जो कि फिलहाल मेलबर्न स्टार्स के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। अब बात करते हैं आज के फैक्ट की। यहाँ पे जो है सिर्फ दो ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है युवराज सिंह और विराट कोहली, जिन्होंने जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है और ODI यानी कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है। यहाँ पे जो है सिर्फ दो ही ऐसे प्लेयर है, एक है विराट कोहली एक है युवराज सिंह, जिनके नाम पे अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है और ODI वर्ल्ड कप भी है। तो ये था मेरा आज का फैक्ट। तो आप सभी को जो है वीडियो कैसी लगी बताओ नीचे कमेंट करके। अगर मुझसे जो है कुछ छूट गया तो वो भी बता दो कमेंट करके, लेकिन यार वीडियो को जो है जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब तो पक्का तौर पे कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन से कर दीजिए यानी कि याद से ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।